सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। 27 नवंबर वर्कशीट 61 टॉपिक रचनात्मक लेखन में आज हम कुछ नया सीखने नया समझने वाले हैं। पूरी वीडियो ध्यान से जरूर समझिए। प्यारे प्यारे बच्चों का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपनी प्यारी सी गुरु दक्षिणा मुझ तक जरूर पहुंचाइए वीडियो को लाइक करके। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, अगर आपकी पुरानी कोई भी 9th क्लास की वर्कशीट हिंदी की छूट गई हो, न देख पाए हो, टाइम नहीं रहा हो, जो भी कुछ है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको सब कुछ पढ़ना ही है, इसलिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप सीधा अपने प्लेलिस्ट से जाकर के सारी वीडियोज देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से अभी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे पत्र लेखन, और पत्र लेखन में ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो आज जानेंगे, जिसको कि हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहला पत्र आपके लिए ये रहेगा और दूसरा ये वाला रहेगा। तो यानी कि पत्र आपके पास दो ही हैं, लेकिन आपने यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पत्र हमारे वैसे तो 3 तरीके के होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो चलते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला तरीका आपके लिए औपचारिक, यानी कि ऑफिशियल पत्र, जिनमें कि हमें फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। तो ये आपका जो सेकंड वाला लेटर है ये ऑफिशियल है, औपचारिक है, जिसे कि हम स्कूल में अपने टीचर को, प्रिंसिपल को देते हैं, किसी अधिकारी को देते हैं, है ना। तो ये आपका ऑफिशियल यानी कि औपचारिक रहेगा। और पहला लेटर आप अपने फ्रेंड को लिखोगे, ये रहेगा आपके लिए अनौपचारिक। और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, जिनको अपने दोस्तों को लिखते हो, अपने किसी को इनविटेशन भेजना हो, या अपने सगे संबंधियों को, मम्मी पापा को, वगैरह वगैरह। तो ये सारे आपके अनौपचारिक हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अनौपचारिक और औपचारिक दोनों में अंतर समझ आ गया होगा। चलिए हम पहले लेटर को लिखते हैं, ये है अनौपचारिक। पिछले दिनों हमने बहुत सारे त्यौहार भी मनाए, और कुछ ऐसे त्यौहार आए जिनमें कि प्रदूषण भी बढ़ा। अब आपने क्या करना है, प्रदूषण को ध्यान में रखा आपने त्योहार मनाए, तो आपने वो कैसे मनाए, किस तरह से अपने मित्र को आपने एक पत्र लिखना है। तो चलिए वो मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। और दूसरा जो लेटर है वो है, दिल्ली में प्रदूषण जो है काफी बढ़ गया, पूरे इंडिया में ही बढ़ा है लेकिन दिल्ली का ज्यादा बढ़ गया है, इसके निवारण के लिए आपने पत्र लिखना है। तो कौन से अधिकारी को लिखोगे, पहली बात कि आप किसे लिखोगे, दूसरी बात उसमें क्या लिखोगे, और तीसरी बात उसमें आपने सूचना देनी है, चौथी बात उस व्यक्ति को आपने सुझाव देना है, सूचना देनी है कि इसे रोका कैसे जाएगा। तो चलिए मैं आपको पत्र दिखा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये पहला आपके लिए अनौपचारिक पत्र है, तो अनौपचारिक पत्र में हमारे पास कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, यानी कि जो हमारे मन में है, जो दिल में है, हम दिल की बात लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा है, तो आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद मैंने अपने जगह लिखा है कि जहाँ मैं रहता हूँ संगम विहार, तो आप भी अपने जहाँ रहते हैं वहाँ का नाम लिखेंगे। उसके बाद डेट डालेंगे आप उस दिन की, तो आज की डालेंगे। उसके बाद आप लिखोगे अपने मित्र का नाम, तो मैंने लिखा प्रिय मित्र रश्मि। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड किसी का भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद देखो सप्रेम नमस्ते लिखो, या आप हाय हेलो लिखो, आपकी मर्जी है कि आपका उनसे किस तरह से रिलेशन है। आप हाय हेलो भी लिख सकते हो और नमस्ते भी कर सकते हो दोस्तों को, है ना। अब उसके बाद क्या लिखोगे कि आशा करता हूँ तुम सब परिवार ठीक होंगे, हम भी यहाँ पर परिवार के सहित कुशल और स्वस्थ हैं, है ना। कोरोना चल रहा है तो देखो कुशल और स्वस्थ की बात आप जरूर लिखोगे। तो ध्यान दें आपके पैटर्न क्या होता है लिखने का, ये फॉर्मेलिटीज है जो ऊपर आपको लिखनी ही पड़ती है। उसके बाद देखो आपकी कुशलता के लिए भी ऊपर वाले से हमेशा प्रार्थना करता हूँ। अपने दोस्तों को बताओगे कि भाई मैं भी आप स्वस्थ रहें, इसके लिए भी मैं ऊपर वाले से दुआ प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद लिखो, आ जाओ पॉइंट पे। और अनौपचारिक पत्र वस्तुतः आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, मतलब आपके दिल की बातें, लेकिन आप क्या बताना चाहते हो वो जरूर होना चाहिए, है ना, कि टॉपिक आपका क्या है पत्र लिखने का कारण। तो वो आप यहाँ पर आ जाएंगे कि प्रिय दोस्त, जैसे कि आप जानते हो आजकल कोरोना अपने चरम पर है, है ना, कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप बताओगे वैसे उन्हें पता है, लेकिन फिर भी अब जब लेटर लिख रहे हो तो हमें ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। उसमें भी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण और भी जानलेवा हो रखा है ना। दिल्ली में कोरोना और ज्यादा बढ़ रहा है और प्रदूषण से और भी प्रॉब्लम आ रही है। इसी वजह इस साल दिवाली पर पटाखे जलाने में पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया था, क्लियर है, जिसके कारण हमने इस साल दिवाली बड़े ही मजे और अलग ढंग से मनाई। प्रतिबंध लगाया था लेकिन हम भी जागरूक थे, हमने भी पॉल्यूशन को कम किया, तो हमने अलग ढंग से। अब आप बताओगे कैसे, इस हफ्ते एक हफ्ते पहले हमने घर में ही मिठाई बनाना शुरू कर दिया,
है ना। आप इस तरह से अपनी फीलिंग बताओगे कि हमने एक हफ्ते पहले ही मिठाई बनाना, आप चाहो तो दो हफ्ते लिख दो, आपने अगर आप चाहो तो मैंने चार दिन पाँच दिन या दो दिन पहले हम मिठाई बनाना शुरू करने लगे। फिर दिवाली के दिन पूरा दिवाली के पूरा दिन घर वालों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ मिलकर सुंदर रंगोली बनाई। आपने कुछ और किया हो, पेंट किया हो घर को, साफ सफाई की हो, तो आप वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। बनाकर पूरे घर को सजाया, आपने लड़ियां बनाई, आपने झालर बनाए, तो आपने क्या क्या किया आप वो सारा यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि अनौपचारिक है तो यहाँ पर आप अपनी जो दिल की बात है वो भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखो, हाँ दिवाली मनाई, उसके बाद रात में, दिवाली की रात में मिट्टी के दिए, मोमबत्तियाँ और लड़ियों से हमने अपने घर को रोशन किया। उसके बाद सभी ने मिलकर मिठाइयाँ खाई। मैंने तो अपना बता दिया कैसे मनाया। अच्छा, अब तुम भी अपना एक्सपीरियंस, अनुभव पत्र लिखकर जरूर बताना। ये जरूर लिखते हैं, जब आप किसी को लेटर लिखते हो तो आप ये लिखोगे कि मैंने भाई अपनी अपनी बात बता दी, अब वापस तुम भी जरूर बताना। अक्सर जब हम लेटर लिखते हैं तो हमें ये लगता है कि लेटर नहीं है, फ़ोन है, तो हम ऐसे कहते हैं, अच्छा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, मैंने खाना खा लिया, अच्छा तुमने खाया क्या, मेरी तैयारी ऐसे चल रही, तुम्हारी कैसे चल रही है। तो देखो यहाँ पर तुरंत रिप्लाई नहीं आएगा, आप लेटर लिख रहे हो तो इसका रिप्लाई आएगा एक महीने, एक हफ्ता या दो हफ्ते बाद। तो यहाँ पर आपने अपनी अपनी बात लिख देनी है और उसको कहना है कि आप भी जरूर लिखना। और बाकी घर में अंकल आंटी के साथ सभी बड़ों को मेरी नमस्ते और छोटों को मेरा प्यार। आप अंकल आंटी, इनके घर में जो भी है फैमिली मेंबर, उनके हालचाल पूछोगे जरूरी। उसके बाद देखो, प्यार करना और तुम्हारा मित्र अपना नाम, मैंने यहाँ पर आशीष लिखा है, आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। तो दूसरा देखें, तो जो दूसरा पत्र है वो आपके लिए है औपचारिक। तो औपचारिक पत्र में आपको पता ही है ना, तो राम राम नमस्ते करोगे आप सेवा में। अब किसको लिखना है, तो श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखोगे। दिल्ली में है तो नीचे लिखोगे दिल्ली सरकार, और यहाँ पर पड़पड़गंज नई दिल्ली, ये मैंने कुछ भी लिख दिया। आप खानपुर लिख दो, कुतुब मीनार लिख दो, नई दिल्ली लिख दो, पुरानी दिल्ली लिख दो, आनंद विहार लिख दो, जहाँ आप रहते हैं आप वहाँ का यहाँ पर एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि आप इस स्वास्थ्य अधिकारी का एड्रेस लिख रहे हो, ये आपका अपना एड्रेस नहीं है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर विषय को आप जरूर लिखोगे और अंडरलाइन करोगे कि बढ़ते हुए प्रदूषण की समस्या की सूचना के संदर्भ में, क्लियर है। आप यहाँ पर इसे कलर पेन से लिखोगे, कलर पेन से अंडरलाइन करोगे, सॉरी। उसके बाद देखो फॉर्मेलिटी, महोदय सभी ने निवेदन यह है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली में मनाए जाने वाले त्योहारों में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, पटाखे चलाए, जिसके कारण दिल्ली का प्रदूषण स्तर जानलेवा हो चुका है, है ना। हवा यहाँ पर बड़ी जहरीली हो गई है, हवा इतनी गंदी हो चुकी है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है, जिसके कारण कोरोना बढ़ने की भी आशंका बहुत ज़्यादा हो गई है। अब आप सुझाव देंगे, है ना, उनके क्योंकि सुझाव भी आपसे मांगे हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण कम हो, पहली बात, हवा सांस लेने योग्य हो, इसके लिए हम आपके साथ या आप हमारे साथ या हम सब मिलकर के हमें सहयोग करना चाहिए और कुछ कदम उठाने चाहिए। अब क्या आप एडवाइस कर रहे हो कि अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि ज़्यादा प्रदूषण वाली फैक्ट्रियों को बंद करें, कूड़ा जलाना बंद करें, और जल्दी से जल्दी दिल्ली में व्यक्तिगत वाहनों के लिए ऑड इवन जो नियम था वो लागू किया जाए, सार्वजनिक वाहनों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो ऑड इवन आपको पता है ना, ये ऑड इवन क्या है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ऑड इवन आखिर है क्या, ये क्या चीज है, इसमें क्या होता है, ताकि प्रदूषण कोई नियंत्रण लगा सके। शुभचिंतक दिल्ली प्रवासी और आशीष मड़वाल, यहाँ पर आप डेट आज की डाल दोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए। अब भी कुछ डाउट है तो डाउट आप कमेंट में रख सकते हैं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।